बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है पालक और अरवी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने पालक लिया है 750 ग्राम वॉश करके और मैंने काट लिया है बारीक। अरवी जो ली है वो है आधा किलो, हाफ़ केजी, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह से काट लिया है थोड़े एक एक इंच के पीस के अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने एक चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने हाफ चम्मच। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 4-5 अदद, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और इन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन लिया है मैंने 6-7 जवे और जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है हाथों से। टमाटर लिए हैं मीडियम मैंने 4 अदद और इन्हें मैंने ऐसा मोटा मोटा रफली काट लिया है। चलें शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया। इसमें लहसुन के जवे डाल दिए, 1 पिंच के करीब हींग है, अगर आप हींग नहीं खाते तो आप इसे ना डालें। लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर हम ये जो अरवियाँ हैं इन्हें हम डाल के पहले फ्राई करेंगे। इन्हें हमें पहले फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाए। देखें ये इसमें से इसका लेस निकल रहा है ना, ये थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो अरवी है ये भी गल जाएंगी थोड़ी बहुत। इन्हें चलाते ही रहना ताकि ये जले ना। ये हमारी फ्राई हो गई है अरवियाँ, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और ये कुटी मिर्च और पीसी मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इन्हें हम भूनेंगे। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अगर इन्हें हर चीज़ को अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो उसका टेस्ट जो है ना ख़त्म हो जाता है। सब्ज़ियों का टेस्ट रहना चाहिए। और अभी इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि पालक के अंदर भी नमकियात होती है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। अभी हम कम डालेंगे और जब पालक डाल देंगे और पालक हमारा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम डालेंगे नमक, वरना नहीं। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। हमने तमाम पालक ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसमें कोई पानी डालना नहीं है क्योंकि ये अपने ही पानी के अंदर अरवियाँ गल जाएंगी, क्योंकि पालक जो है ना काफ़ी पानी रिलीज़ करता है, इसी में अरवियाँ पक्के तैयार हो जाएंगी। देखिए कितना पानी इसमें आ चुका है जी। इसी तरह से ये अरबी इसके अंदर गल जाएगी। इसे हम स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे पकने के लिए, जब तक हमारी अरबी गल नहीं जाती है, क्योंकि पालक तो बहुत जल्दी पक जाता है मगर अरबी गलने में टाइम लगता है। तो ये जब तक हमारी अरबी गल नहीं जाती, 10 या 15 मिनट लगेंगे और हमारी अरबी गल जाएंगी। अरबी पालक को मैं मुसलसल चलाती रही हूँ और दरमियान में आके मैंने देखा भी इसको ताकि लग ना जाए हांडी, और ये हमारी तकरीबन भुनाई के करीब है और हमारी बस तैयारी होने वाली है अरवी पालक। अरवी पालक बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है और ये बरसात के मौसम में खाया जाता है, अच्छा लगता है। इस पे नींबू निचोड़ के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। देखें चारों तरफ से जो है ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारी ये अरवी पालक बहुत अच्छे से पक चुका है, बल्कि तैयार है हमारा ये।
डिश आउट करते हैं। इसे पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं अरवी पालक को, और इसमें थोड़ा नमक कम था जो मैंने ऊपर से थोड़ा डाल दिया था, क्योंकि मैं दरमियान में हांडी चला रही थी तो मैंने चेक किया था तो मुझे कम लगा था, तो मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून के करीब और नमक ऐड किया था। हमारा अरवी पालक तैयार है।